एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो फ्रेंड्स आज हम उन्नीस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं सिक्स अप्रैल 1917 जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो 16 लोगों को सीधे तक जाल में जाने से रोक देगा। अप्रैल पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को, को तत्काल संदेश देने के लिए भेजा जाता है यदि समय पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी 6 अप्रैल 1917 उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पोरल कॉर्पोरल व्हील स्कोफील्ड को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक स्कोफील्ड को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है बारे में सीखता है कर्नल मैकेजी को एक और बार्श की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें नो मैंस लैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब प्रतीय जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास के शहर के ठीक पीछे खाई है संदेश जो कल भोर तक अपने गतिवे तक पहुंचना चाहिए मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतीक्षा में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके 1600 लोगों को जीवन खतरे में है यदि संदेश समय पर नहीं पहुंचता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लेफिनेंट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कॉफिल्ड की कहानियां युद्ध की बड़ी तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम हैं, तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम विश्व युद्ध में पहले ही से ही तीन विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इपीरियल जर्मन सेना युद्ध पश्चिमी मित्र राष्ट्रों को एक घातक जाल में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना 6 अप्रैल उन्नीस को एक धागे से लटके सोलह सौ सो सैनिकों के जीवन के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कॉरपोरल टॉम ब्लैक और विल स्कोफील्ड एक तत्काल जीवन कर्नल को डेवो ने शायरलाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश सजा सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अजीब और गरीब खामोश नोमैन लैंड की के बीच युवा भाइयों इन हथियारों को फ्रांसिस इलाकों में स्वतुत्रपूर्ण नौ मील की दूरी तय करने होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रन हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइया तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर भू भर्म दूर हो गए सामान्य मधो मनोदशा ओब और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की पूर्व श्रद्धा पर घर लौट आओ और और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कोफील्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी डेवोनेशियार बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉस सीपीएल स्कोफील्ड और लॉस सीपीएल ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में, में पार करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथी साथियों को बचा सकते हैं चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ सत्रह दो हजार उन्नीस की ब्रिटिश वार फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए सैम मैडर्स लिखे हैं सैम मैडर्स क्रिस्टी विल्सन के प्रोड्यूस किए सैम मैडर्स पीपा हैरिस जेड एंड ग्रेन कैलम मैकडोगल ब्रैंड ऑल वेरी इंडिया जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स शैप मैनमार्क स्ट्रॉग एड्रू स्कॉट रिचर्ड मैडन क्लेयर डब्रू की कॉलिन फर्थ बैनिग कॉम वार बेच स्टिनोटोग्राफी दिए रॉजर डिक डिक्स इंस्ट्रीट के लिए स्मिथ दिए थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबो नील स्ट्रीट प्रोडक्ट ए पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम और आयलेट इसका रिलीज डेट है फोर्थ दिसंबर टू थाउंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन दिसंबर टू थाउंड नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट टेन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम और इसका रनिंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है थ्री हंड्रेडी फोर पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लॉस पर विलियम विल वील के रूप में जॉर्ज मैक डीन चार्ल्स चैम्पैन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग एंट्रियो स्कॉट लेफ्ट लेसली के रूप में लेफिटिनेट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉर्ज लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिनमोर के रूप में कार्लिन फॉर्थ मे, बेनेट कबर की, बैच लेफ्टिनेंट कर्नल मैकेजी के रूप में शॉर्जर्ट सेडरस के रूप में डैनियल मैश मेजर है एड्रियन स्कार जैमी पार्लर लेफिनेट रिचर्ड के रूप में पिपकॉर्टर लेफिनेट गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कॉलिंस जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो के रूप में नवान पीसीओ हॉर् के रूप में बिली पोस्टलेट निजी रोशो फेज निजी रोशी इलियट एड्रूस पर प्राइवेट ग्रे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम उन्नीस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं सिक्स अप्रैल 1917 जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो 16 सौ लोगों को सीधे गाँव तक जाल में जाने से रोक देगा अप्रैल 1977 पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को एक अलग रेजिमेंट को तत्काल संदेश देने के लिए भेजा जाता है यदि समय पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी 6 अप्रैल 1917 उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पोरल कॉर्पोरल व्हील स्कोफील्ड को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक स्कोफील्ड को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है बारे में सीखता है कर्नल मैकेजी को एक और बार्श की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें नो मैंस लैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब प्रतीय जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास के शहर कुष्ट के ठीक पीछे खाई है संदेश जो कल भोर तक अपने गतिवे तक पहुंचना चाहिए मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतीक्षा में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके 1600 सो लोगों को जीवन खतरे में है यदि संदेश समय पर नहीं पूछता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कोफील्ड की कहानियां युद्ध की बड़ी तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम हैं, तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम विश्व युद्ध में पहले ही से ही तीन विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इपीरियल जर्मन सेना युद्ध पश्चिमी मोर्चे में अपनी स्थिति से पीछे हट गई है मित्र राष्ट्रों को एक घातक जाल में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना सिक्स अप्रैल उन्नीस को एक धागे से लटके सोलह सो सात सा, सैनिकों के जीवन के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कॉरपोरल टॉम ब्लैक और व्हीस्कोफील्ड एक तत्काल जीवन कर्नल मैकेजी को डेवो ने शायर लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अजीबो गरीब खामोश नोमैंस लैंड की भय भयावहता के बीच युवा भाइयों इन हथियारों को फ्रांसिस ग्रामीणी इलाकों में सत पूर्ण नौ मील की दूरी तय करने होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रम हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइया तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर भू भर्म दूर हो गए सामान्य मदो मनोदशा ओब और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की पूर्व श्रद्धा पर घर लौट आओ और और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कॉफिल्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी डेवनेशियार बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉस सि पीएल स्कोफील्ड और लॉस सीपीएल ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में, में पार करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथी साथियों को बचा सकते हैं चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ दो है 19 की ब्रिटिश है, है लिखे हैं सैम मैडर्स क्रिस्टी विल्सन प्रोड्यूस किए सैम मैडस पीपा हैरिस जेन एंड ग्रेन कैलम मैकडोगल ब्रैंड ऑलवेरी स्टारिंग इस जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स मार्क स्ट्रॉग एड्रू स्कॉट रिचर्ड मैड क्लेयर डब्ल्यू की कॉलिन फर्थ बैन ने टिकॉम बेच स्टोग्राफी दी रॉजर डिक डिक्स इंस्ट्रूट के लिए स्मिथ दिए हैं थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबो नील स्ट्रीट प्रोडक्ट बिलीन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम और आयलेट इसका रिलीज डेट है फोर्थ दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन दिसंबर टू थाउंड नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट टेन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम और इसका रनिंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है के के जॉर्ज मैक डीन चार्ल्स चैंपियन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग एंट्रियो स्कॉट लेफिटेट लेसली के रूप में लेफिट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिनमोर के रूप में कार्लिन फॉर्थ मे, कबर कि, का बैच लेफ्टिनेंट कर्नल मैकेजी के रूप में शॉर्ज सेडरस के रूप में डैनियल मैश मेजर है एड्रियन स्कॉर्ब्रो जैमी पार्लर लेफ्टिनेंट रिचर्ड के रूप में पिप कॉटर लेफ्टिनेंट गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कॉलिंस जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो के रूप में नवान पीसीओ हॉर् के रूप में बिली पोस्टलेट निजी टॉमिक फेज निजी रोशी इलियट पर प्राइवेट ग्रे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम उन्नीस सत्रह मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं सिक्स अप्रैल उन्नीस सत्रह जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो सोलह सौ लोगों को सीधे गाह तक जाल में जाने से रोक देगा अप्रैल 1970 पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को एक अलग रेजिमेंट को तत्काल संदेश देने के लिए भेजा जाता है यदि समय पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी 6 अप्रैल 1917 उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पोरल विल स्कोफील्ड को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक स्कोफील्ड को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है बारे में सीखता है कर्नल मैकेजी को एक और बार्श की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें नोमैन्स लैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब प्रतीय जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास के शहर के ठीक पीछे खाई है। संदेश जो कल तक तक अपने गत्वे तक पहुंचना चाहिए। मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतीक्षा में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके सोलह सौ लोगों को जीवन खतरे में है यह यदि संदेश समय पर नहीं पहुंचता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लेफिटनेट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कोफील्ड की कहानियां युद्ध की बड़ी तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम है तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम में पहले ही, ही विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इपीरियल जर्मन सेना युद्ध ग्रस्त पश्चिमी मोर्च में अपनी स्थिति से पीछे हट गई है मित्र राष्ट्र को एक घातक में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना अप्रैल धागे से लटके सोलह के, के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कॉरपोरल टॉम ब्लैक और विल स्कोफील्ड एक तत्काल जीवन कर्नल को डेवो ने शायर लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अजीबो गरीब खामोश नोमैंस लैंड की भय भयावहता के बीच युवा भाइयों इन हथियारों को फ्रांसिस ग्रामीणी इलाकों में सतुत्रपूर्ण नौ मील की दूरी तय करने होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रम हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइयाँ तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर भूभर्म दूर हो गए सामान्य मदो मनोदशा ओब और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की पूर्व श्रद्धा पर घर लौट आओ और और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कॉफिल्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी डेवनेशियार बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉप एल स्कॉफिल्ड और सीपीएल ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में, में पार करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथियों को बचा सकते हैं चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ सत्रह दो हजार उन्नीस की ब्रिटिश वार फिल्म डायरेक्ट किए सैम मैडर्स लिखे हैं सैम मैडर्स क्रिस्टी विल्सन प्रोड्यूस किए सैम मैडर्स पीपा हैरिस जेड एंड ग्रेन कैलम मैक डॉगल ऑलवेरी और वेरी जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स मार्क स्ट्रॉग एड्रू स्कॉट रिचर्ड मैडन लियर डब्रू की कॉलिन फर्थ बैनग कॉम वर् बेच स्टिनटोग्राफी दी रॉजर डिक डिक्स इंस्टीट्यूट के लिए स्मिथ दिए थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबो नील स्ट्रीट प्रोडक्ट ए पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड इसका रिलीज डेट है फोर दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन टू टाउन नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट टेन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम और इसका रनिंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है थ्री हंडी फोर पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लॉस पर विलियम विल वील के रूप में जॉर्ज मैक डीन चार्ल्स चैम्पियन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग एंट्रियो स्कॉट लेफ्टिनेंट लेस्ली के रूप में लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिनमोर के रूप में कार्लिन फॉर्थ मे, कबर बैच लेफ्टिनेंट कर्नल मैकेजी के रूप में शॉर्जर्ट सेडरस के रूप में डैनियल मेस मेजर हाँ, बर्न के रूप में एड्रियन स्कॉर्ब्रो जैमी पार्लर लेफिनेट रिचर्ड के रूप में पिपकॉर्टर लेफिनेट गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कॉलिंस जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो के रूप में नवान पीसीओ हॉर् के रूप में बिली पोस्टलेट निजी फेज निजी रोशी, रोशी इलियट पर प्राइवेट ग्रे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम उन्नीस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं सिक्स अप्रैल 1917 जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो 16 लोगों को सीधे तक जाल में जाने से रोक देगा। अप्रैल पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को, को तत्काल संदेश देने के लिए भेजा जाता है यदि समय पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी 6 अप्रैल 1917 उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पोरल कॉर्पोरल व्हील स्कोफील्ड को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक स्कोफील्ड को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है बारे में सीखता है कर्नल मैकेजी को एक और बार्श की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें नो मैंस लैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास के शहर कुष्ट के ठीक पीछे खाई है संदेश जो कल भोर तक अपने गतिवे तक पहुंचना चाहिए मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतिक्षा में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके 1600 लोगों को जीवन खतरे में है यदि संदेश समय पर नहीं पहुंचता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लेफिटनेट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कॉफिल्ड की कहानियां युद्ध की बड़ी तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम हैं तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम विश्व युद्ध में पहले ही से ही तीन विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इपीरियल जर्मन सेना युद्धग्रस्त पश्चिमी मोर्चे में अपनी स्थिति से पीछे हट गई है मित्र राष्ट्रों को एक घातक जाल में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना 6 अप्रैल 1917 को एक धागे से लटके 1607 सो सैनिकों के जीवन के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक और वील स्कॉफिल्ड एक तत्काल जीवन कर्नल मैकेजी को डेवो ने शायरलाइन लाइन रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अजीब गरीब खामोश लैंड की भयावहता के बीच युवा भाइयों इन हथियारों को फ्रांसिस ग्रामीणी इलाकों में सत तरफ पूर्ण नौ मील की दूरी तय करने होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रम हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो की क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइया तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर दूर हो गए मनोदशा और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की पुरुष पर घर लौट आओ और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कॉफिल्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी ने बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉस सी पी एल स्कॉफिल्ड और लॉसपीएल ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में, में पार करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथी साथियों को बचा सकते हैं चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ सत्रह दो हजार उन्नीस की ब्रिटिश वार फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए सैम मैडर्स लिखे हैं सैम मैडर्स क्रिस्टी विल्सन के प्रोड्यूस किए सैम मैडर्स पीपा हैरिस जेड एंड ग्रेन कैलम मैक ब्रैन ऑलवेरी स्टारिंग वेरी जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स शैप मैनमार्क स्ट्रॉन्ग एड्रू स्कॉट रिचर्ड मैडन क्लेयर डब्ल्यू की कॉलिन फर्थ बैनिग कॉम वार बेच स्टिनोटोग्राफी दिए रॉजर डिक डिक्स इंस्ट्रीट के लिए स्मिथ दिए थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबो नील स्ट्रीट प्रोडक्ट ए पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम और आयलेट इसका रिलीज डेट है फोर्थ दिसंबर टू थाउंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन दिसंबर टू थाउंड नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट टेन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम और इसका रनिंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइन्टी फाइव मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है थ्री हंड्रेडी फोर पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लॉस पर विलियम विल वील के रूप में जॉर्ज मैक डीन चार्ल्स चैम्पैन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग एंट्रियो स्कॉट लेफ्ट लेस्ली के रूप में लेफिटिनेट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉर्ज लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिनमोर के रूप में कार्लिन फॉर्थ मे, बेनेट कबर कि, बैच लेफ्टिनेंट कर्नल मैकेजी के रूप में शॉर्जर्ट सेडरस के रूप में डेनियल मेस मेजर है एड्रियन स्कार जैमी पार्लर लेफ्टिनेंट रिचर्ड के रूप में पिपकॉर्टर लेफिनेट गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कॉलिंस जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो के रूप में नवान पीसीओ हॉर् के रूप में बिली पोस्टलेट निजी रोशो निजी रोशी, रोशी इलियट पर प्राइवेट ग्रे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम उन्नीस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं सिक्स अप्रैल 1917 जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो सोलह सौ लोगों को सीधे गाँव तक जाल में जाने से रोक देगा अप्रैल 1977 पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को एक अलग रेजिमेंट को तत्काल संदेश देने के लिए भेजा जाता है यदि समय पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी 6 अप्रैल 1917 उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पोरल कॉर्पोरल वील स्कोफील्ड को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक स्कोफील्ड को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है बारे में सीखता है कर्नल मैकेजी को एक और बार्श की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें नोमैन्स लैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास के शहर कुष्ट के ठीक पीछे खाई है संदेश जो कल भोर तक अपने गतिव्य तक पहुंचना चाहिए मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतीक्षा में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके 1600 लोगों को जीवन खतरे में है यदि संदेश समय पर नहीं पूछता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कोफील्ड की कहानियां युद्ध की बड़ी तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम है तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम विश्व युद्ध में पहले ही से ही तीन विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इंपीरियल जर्मन सेना युद्ध पश्चिमी अपनी स्थिति से पीछे हट गई है मित्र राष्ट्रों को एक घातक जाल में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना सिक्स अप्रैल उन्नीस को एक धागे से लटके सोलह सौ सो सात सा, सैनिकों के जीवन के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कॉरप्रल्स टॉम ब्लैक और विल स्कोफील्ड तत्काल जीवन कर्नल मैकेजी को की डेवो ने शायरलाइन लाइन रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अजीब गरीब खामोश लैंड की भयावहता के बीच युवा भाइयों इन हथियारों को फ्रांसिस ग्रामीणी इलाकों में सत नौ मील की दूरी तय होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रन हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो की क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइया तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर भू भर्म दूर हो गए सामान्य मधो मनोदशा उब और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की पूर्व श्रद्धा पर घर लौट आओ और और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कॉफिल्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी डेवनेशियर बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉसिप पी एल और सी पी और सीपीएल ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में, में पार करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथी साथियों को बचा सकते हैं चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ दो है 19 की ब्रिटिश है, है लिखे हैं सैम मैडर्स क्रिस्टी विल्सन प्रोड्यूस किए सैम मैडर्स पीपा हैरिस जेन एंड ग्रेन कैलम मैकडोगल ब्रैंड ऑलवेरी स्टारिंग इस जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स मार्क स्ट्रॉग एड्रू स्कॉट रिचर्ड मैड क्लेयर डब्ल्यू की कॉलिन फर्थ बैन ने टिकॉम बेच स्टोग्राफी दी रॉजर डिक डिक्स इंस्टीट्यूट के लिए स्मिथ थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबो नील स्ट्रीट प्रोडक्ट बिलीन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम और आयलेट इसका रिलीज डेट है फोर्थ दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन दिसंबर टू थाउंड नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट टेन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम और इसका रनिंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है के के जॉर्ज वील मैक डीन चार्ल्स चैंपियन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग एंट्रियो स्कॉट लेफिटेन्ट ले के रूप में लेफिट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिन के रूप में कार्लिन फॉर्थ मे, कबर कि, का बैच लेफ्टिनेंट कर्नल मैकेजी के रूप में शॉर्जर्ट के रूप में डेनियल मेस मेजर है, बर्न के रूप में एड्रियन स्कॉर्ब्रो जैमी पार्लर लेफ्टिनेंट रिचर्ड के रूप में पिप कॉटर लेफ्टिनेंट गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कॉलिंस जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो के रूप में नवान पीसीओ हॉर् के रूप में बिली पोस्टलेट निजी रोशी टॉमिक निजी रोशी इलियट पर प्राइवेट ग्रे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम उन्नीस सत्रह मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं सिक्स अप्रैल उन्नीस सत्रह जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो सोलह सौ लोगों को सीधे गाह तक जाल में जाने से रोक देगा अप्रैल 1970 पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को एक अलग रेजिमेंट को तत्काल संदेश संदेश देने के लिए भेजा जाता है। यदि समय पर प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी सिक्स अप्रैल उन्नीस उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉरपरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पलर व्हील स्कॉफिल्ड को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक स्कॉफील्ड को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है बारे में सीखता है कर्नल मैकेज को एक और बार्श की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें लैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब प्रत्येक जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास के शहर के ठीक पीछे खाई है संदेश जो कल भोर तक अपने गतिवे तक पहुंचना चाहिए मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतीक्षा में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके 1600 लोगों को जीवन खतरे में है यदि संदेश समय पर नहीं पूछता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लेफिटिनेट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कॉफील्ड की कहानियां युद्ध की बड़े तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम है तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम विश्व युद्ध में पहले ही से ही तीन विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इपीरियल जर्मन सेना युद्धग्रस्त पश्चिमी मोर्चे में अपनी स्थिति से पीछे हट गई है मित्र राष्ट्रों को एक घातक जाल में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना 6 अप्रैल 1917 को एक धागे से लटके 1607 सैनिकों के जीवन के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कॉरपोरल टॉम ब्लैक और व्हीस्कोफील्ड एक तत्काल जीवन कर्नल को डेवो ने शायर लाइन रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश सजा सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अजीबो गरीब खामोश नोमैंस लैंड की भय भयावहता के बीच युवा भाइयों इन हथियारों को फ्रांसिस ग्रामीणी इलाकों में सतुत्रपूर्ण नौ मील की दूरी तय करने होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रम हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइया तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर भूभर्म दूर हो गए सामान्य मदो मनोदशा ओब और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की पूर्व श्रद्धा पर घर लौट आओ और और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कॉफिल्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी दूसरीशियार बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉप एल स्कॉफिल्ड और सीपीएल ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में पार में करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथियों को बचा सकते हैं चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ सत्रह दो हजार उन्नीस की ब्रिटिश वार फिल्म डायरेक्ट किए सैम मैडर्स लिखे हैं सैम मैडर्स क्रिस्टी विल्सन प्रोड्यूस किए सैम मैडर्स पीपा हैरिस जेड एंड ग्रेन कैलम मैक डॉगल ऑलवेरी और वेरी स्टार जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स मार्क स्ट्रॉगर एड्रू स्कॉट रिचर्ड मैडन क्लेयर डब्रू की कॉलिन फर्थ बैनिगड कॉम वार बेच स्टिनटोग्राफी दिए रॉजर डिक डिक्स इंस्ट्रीट के लिए स्मिथ दिए थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबो नील स्ट्रीट प्रोडक्ट एबिल पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम और आयेट इसका रिली रेट है फोर्थ दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट टेन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम और इसका रनिंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है थ्री हंड्रेडी फोर पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लॉस पर विलियम विल सॉफिल्ड के रूप में जॉर्ज मैक डीन चार्ल्स चैम्पेन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग इंटरव्यू स्कॉट लेफ्टिनेंट लेसली के रूप में लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉर्ज लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिनमोर के रूप में कार्लिन फॉर्थ मे, बेनेक कॉबर बैच लेफ्टिनेंट कर्नल मैकेजी के रूप में सॉर्जर्ट सेडरस के रूप में डैनियल मेस मेजर हाँ बर्न के रूप में एड्रियन स्कॉर्ब्रो जैमी पार्लर लेफ्टिनेंट रिचर्ड के रूप में पिप कॉटर लेफिनेट गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कॉलिंस जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो के रूप में नवान पीसियो हॉर् के रूप में बिली पोस्टलेट निजी फेज निजी रोशी इलियट पर प्राइवेट ग्रे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम उन्नीस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं सिक्स अप्रैल 1917 जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो 1600 लोगों को सीधे गाह तक जाल में जाने से रोक देगा अप्रैल 1970 पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को एक अलग रेजिमेंट को तत्काल संदेश देने के लिए भेजा जाता है यदि समय पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी सिक्स अप्रैल उन्नीस उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पलर व्हील स्कॉफिल्ड को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक स्कॉफील्ड को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है है। बारे में सीखता कर्नल को एक और बाश की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें नो मैंसलैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब प्रत्येक जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास के शहर कुष्ट के ठीक पीछे खाई है संदेश जो कल भोर तक अपने गत्तवे तक पहुंचना चाहिए मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतीक्षा में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके 1600 लोगों को जीवन खतरे में है यदि संदेश समय पर नहीं पहुंचता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कॉटफील्ड की कहानियां युद्ध की बड़ी तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम है तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम विश्व युद्ध में पहले ही से ही तीन विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इपीरियल जर्मन सेना युद्ध पश्चिमी मोर्चे में अपनी स्थिति से पीछे हट गई है मित्र राष्ट्रों को एक घातक जाल में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना सिक्स अप्रैल उन्नीस को एक धागे से लटके सोलह सौ साथी सैनिकों के जीवन के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक और विल स्कोफील्ड तत्काल जीवन कर्नल मैकेजी को डेवो ने शायरलाइन लाइन रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अजीब गरीब खामोश लैंड की भयावहता के बीच युवा भाइयों इन हथियारों को फ्रांसिस ग्रामीणी इलाकों में सत तरफ पूर्ण नौ मील की दूरी तय करने होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रम हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो की क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइया तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर दूर हो गए मनोदशा और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की पुरुष पर घर लौट आओ और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कॉफिल्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी डेवनेशियार बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉसिप पी एल स्कॉफिल्ड और लॉसपीएल ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में, में पार करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथियों को बचा सकते हैं चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ सत्रह दो हजार उन्नीस की ब्रिटिश वार फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए सैम मैडर्स लिखे हैं सैम मैडर्स क्रिस्टी विल्सन के प्रोड्यूस किए सैम मैडर्स पीपा हैरिस जेड एंड ग्रेन कैलम मैक डोगल ऑलवेरी ऑल वेरी जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स शैप मार्क स्ट्रॉग एड्रू स्कॉट रिचर्ड मैडर डब्रू की कॉलिन फर्थ बैनिगड कम वार बेच स्टेनोटोग्राफी दिए रॉजर डिकिस्ट्रीट के लिए स्मिथ दिए थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबो नील स्ट्रीट प्रोडक्ट ए पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम और आयलेट इसका रिलीज डेट है फोर दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट टेन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम और इसका रनिंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनियट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है थ्री हंड्रेडी फोर पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लॉस पर विलियम विल सॉफिल्ड के रूप में जॉर्ज मैक डीन चार्ल्स चैम्पैन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग इंटरव्यू स्कॉट लेफ्टिनेंट लेसली के रूप में लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉर् लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिनमोर के रूप में कार्लिन फॉर्थ बेनेक कर्नल मैकेजी के रूप में सॉर्जर्ट के रूप में डैनियल मैश मेजर है एड्रियन स्कॉर्ब्रो जैमी पार्लर लेफ्टिनेंट रिचर्ड के रूप में पिप कॉटर लेफ्टिनेंट गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कॉलिंस जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो डालेरी के रूप में नवान पीसीओ हर के रूप में बिली पोस्टलेट निजी रोशो निजी रोशी इलियट पर प्राइवेट गिरे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल द आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम उन्नीस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं सिक्स अप्रैल 1917 जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो सोलह सौ लोगों को सीधे गाँव तक जाल में जाने से रोक देगा अप्रैल 1977 पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को एक अलग रेजिमेंट को तत्काल संदेश देने के लिए भेजा जाता है यदि समय पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी 6 अप्रैल 1917 उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पोरल कॉर्पोरल व्हील स्कोफील्ड को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक स्कोफील्ड को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है बारे में सीखता है कर्नल मैकेजी को एक और बार्श की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें नोमैन्स लैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब प्रतीय जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास तक अपने गत्वे तक पहुंचना चाहिए मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतीक्षा में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके सोलह सौ लोगों को जीवन खतरे में है यदि संदेश समय पर नहीं पूछता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कोफील्ड की कहानियां युद्ध की बड़ी तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम है तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम विश्व युद्ध में पहले ही से ही तीन विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इपीरियल जर्मन सेना युद्ध पश्चिमी मोर्चे में अपनी स्थिति से पीछे हट गई है मित्र राष्ट्रों को एक घातक जाल में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना अप्रैल उन्नीस को एक धागे से लटके सोलह के जीवन के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कॉरपोरल टॉम ब्लैक और विल स्कोफील्ड एक तत्काल जीवन कर्नल को की ने शायर लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश साजा सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अजीबो गरीब खामोश नोमैंस लैंड की भय भयावहता के बीच युवा भाइयों इन हथियारों को फ्रांसिस ग्रामीणी इलाकों में सत पूर्ण नौ मील की दूरी तय करने होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रम हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइया तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर भू भर्म दूर हो गए सामान्य मधो मनोदशा उब और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की पूर्व श्रद्धा पर घर लौट आओ और और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कॉफिल्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी डेवनेशियार बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉस सि एल स्कॉफिल्ड और लॉस ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में पार करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथियों को बचा सकते हैं चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ दो है 19 की ब्रिटिश किए सैम मैडस लिखे हैं सैम मैडर्स क्रिस्टी विल्सन प्रोड्यूस किए सैम मैडर्स पीपा हैरिस जेन एंड ग्रेन कैलम मैकडोगल ब्रैंड ऑलवेरी स्टारिंग इस जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स मार्क मैनमार्क स्ट्रॉग स्कॉट रिचर्ड मैड क्लेयर डब्ल्यू की कॉलिन फर्थ बैन ने टिकॉमेच स्टोटोग्राफी दी रॉजर डिक डिक्स इंस्ट्रीट के लिए स्मिथ दिए थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबो नील स्ट्रीट प्रोडक्ट एबिन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम गेंगें। और मेंट इसका रिलीज फोर डिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन दिसंबर स्टेट टेन जनवरी ट्वेंटी किंगडम और इसका रनिंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइनटी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है थ्री हंड्रेडी फोर पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लॉस पर विलियम विल सॉफिल्ड के रूप में जॉर्ज मैक डीन चार्ल्स चैंपियन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग इंटरव्यू स्कॉट लेफ्टिनेंट लेस्ली के रूप में लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉर्ज लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिनमोर के रूप में कार्लिन फॉर्थ बेने किड कॉबर बैच लेफ्टिनेंट कर्नल मैकेजी के रूप में सॉर्जर्ट सेडरस के रूप में डैनियल मेस मेजर हाँ बर्न के रूप में एड्रियन स्कॉर्ब्रो जैमी पार्लर लेफ्टिनेंट रिचर्ड के रूप में पिप कॉटर लेफ्टिनेंट गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कॉलिंस जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो के रूप में नवान पिशियो हारो के रूप में बिली पोस्टलेट निजी रसोई ट्रॉमिक फेज़ निजी रसोई इलिएट एड्रेस पर प्राइवेट गेरे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम 17 मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं 6 अप्रैल 1917 जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को कुछ समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो सोलह सौ लोगों को सीधे गाँव तक जाल में जाने से रोक देगा अप्रैल 1970 पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को एक अलग रेजिमेंट को तत्काल संदेश देने के लिए भेजा जाता है यदि समय पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी 6 अप्रैल 1917 उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पोरल विल स्कॉफील्ड को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक स्कॉफील्ड को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है बारे में सीखता है कर्नल मैकेजी को एक और बार्श की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें नो मैंस लैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब प्रतीय तो जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास के शहर कुष्ट के ठीक पीछे खाई है संदेश जो कल भोर तक अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहिए मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतिक्रिया में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके 1600 लोगों को जीवन खतरे में है यदि संदेश समय पर नहीं पूछता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लेफिटिनेट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कॉफील्ड की कहानियां युद्ध की बड़े तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम हैं तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम विश्व युद्ध में पहले ही से ही तीन विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इपीरियल जर्मन सेना युद्धग्रस्त पश्चिमी मोर्चे में अपनी स्थिति से पीछे हट गई है मित्र राष्ट्रों को एक घातक जाल में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना 6 अप्रैल 1917 को एक धागे से लटके 1607 सैनिकों के जीवन के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कॉरपोरल टॉम ब्लैक और व्हीस्कोफील्ड एक तत्काल जीवन कर्नल को डेवो ने शायर लाइन रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश सजा सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अजीब गरीब खामोश भयावहता के बीच भाइयों इन हथियारों को फ्रांसिस इलाकों में नौ मील की दूरी तय करने होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रन हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइया तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर भूभर्म दूर हो गए सामान्य मदो मनोदशा ओब और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की पूर्व श्रद्धा पर घर लौट आओ और और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कॉफिल्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी डेवनेशियार बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉप पी एल स्कॉफिल्ड और सीपीएल ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में, में पार करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथियों को बचा सकते हैं चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ सत्रह दो हजार उन्नीस की ब्रिटिश वार फिल्म डायरेक्ट किए सैम मैडर्स लिखे हैं सैम मैडर्स क्रिस्टी विल्सन प्रोड्यूस किए सैम मैडर्स पीपा हैरिस जेड एंड ग्रेन कैलम मैक डॉगल ऑलवेरी और वेरी जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स मार्क स्ट्रॉग एड्रू स्कॉट रिचर्ड मैड लियर डब्ल्यू की कॉलिन फर्थ बैनिगड कॉम वॉर बेच स्टेनोटोग्राफी दी रॉजर डिक डिक्स इंस्टीट्यूट के लिए स्मिथ दिए थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबो नील स्ट्रीट प्रोडक्ट ए बिलीन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में इंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम और आयलेट इसका रिली रिडेट है फोर्थ डिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन डिसम्बर टाउन नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट टेन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम और इसका रनिंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है थ्री हंडी फोर पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लॉस पर विलियम विल वील के रूप में जॉर्ज मैक डीन चार्ल्स चैम्पियन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग एंट्रियो स्कॉट लेफ्टिनेंट लेस्ली के रूप में लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिनोर के रूप में कार्लिन फॉर्थ मे, कबर बैच लेफ्टिनेंट कर्नल मैकेजी के रूप में मेंस के रूप में डैनियल मैश मेजर हाँ, बर्न के रूप में एड्रियन स्कॉर्ब्रो जैमी पार्लर लेफिनेट रिचर्ड के रूप में पिपकॉर्टर लेफिनेट गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कॉलिंस जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो के रूप में नवान पीसीओ हॉर् के रूप में बिली पोस्टलेट निजी फेज निजी रोशी, रोशी इलियट पर प्राइवेट ग्रे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आग प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम उन्नीस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं सिक्स अप्रैल 1917 जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो 16 लोगों को सीधे गांव तक जाल में जाने से रोक देगा। अप्रैल पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को, को तत्काल संदेश देने के लिए भेजा जाता है यदि समय पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी 6 अप्रैल 1917 उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पोरल कॉर्पोरल व्हील स्कोफील्ड को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक स्कोफील्ड को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है बारे में सीखता है कर्नल मैकेजी को एक और बार्श की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें नो मैंस लैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब प्रत्यय जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास के शहर कुष्ट के ठीक पीछे खाई है संदेश जो कल भोर तक अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहिए मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतीक्षा में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके 1600 लोगों को जीवन खतरे में है यदि संदेश समय पर नहीं पहुंचता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लैफिटनेट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कॉफील्ड की कहानियां युद्ध की बड़ी तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम हैं तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम विश्व युद्ध में पहले ही से ही तीन विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इपीरियल जर्मन सेना युद्ध पश्चिमी मित्र राष्ट्रों को एक घातक जाल में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना 6 अप्रैल उन्नीस को एक धागे से लटके सोलह सौ सो सैनिकों के जीवन के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक और विल स्कॉफिल्ड एक तत्काल जीवन कर्नल मैकेजी को कि डेवो ने शायर लाइन इंफ्रेंट्री रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अजीबोगरीब खामोश नोमैन लैंड की भयावहता के बीच युवा भाइयों इन हथियारों को फ्रांसिस ग्रामीणी इलाकों में स्वतंत्रपूर्ण नौ मील की दूरी तय करनी होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रण हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइयां तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर भू भ्रम दूर हो गए सामान्य मधु मनोदशा उब और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की संध्या पर घर लौट आओ और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कॉफिल्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी डेवोनेशियार बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉस सीपीएल स्कोफील्ड और लॉस सीपीएल ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में, में पार करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथी साथियों को बचा सकते हैं चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ सत्रह दो हजार उन्नीस की ब्रिटिश वार फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए सैम मैडर्स लिखे हैं सैम मैडर्स क्रिस्टी विल्सन के प्रोड्यूस किए सैम मैडर्स पीपा हैरिस जेड एंड ग्रेन कैलम मैक ब्रैन ऑलवेरी स्टारिंग वेरी जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स शैप मार्क स्ट्रॉग एड्रू स्कॉट रिचर्ड मैडर डब्ल्यू की कॉलिन फर्थ बैनिगड कम वार बेच स्टेनोटोग्राफी दिए रॉजर डिकिस्ट्रीट के लिए स्मिथ दिए थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबो नील स्ट्रीट प्रोडक्ट ए पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम और आयलेट इसका रिलीज डेट है फोर दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट टेन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम और इसका रनिंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनियट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है थ्री हंड्रेडी फोर पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लॉस पर विलियम विल सॉफिल्ड के रूप में जॉर्ज मैक डीन चार्ल्स चैंपियन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग इंटरव्यू स्कॉट लेफ्टिनेंट लेसली के रूप में लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉर् लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिनमोर के रूप में कार्लिन फॉर्थ मे, बेनेक बैच कर्नल मैकेजी के रूप में सॉर्जर्ट के रूप में डैनियल मैश मेजर है एड्रियन स्कॉर्ब्रो जैमी पार्लर लेफ्टिनेंट रिचर्ड के रूप में पिप कॉटर लेफ्टिनेंट गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कॉलिंस जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो डाली के रूप में नवान पीसीओ हर के रूप में बिली पोस्टलेट निजी रोशो निजी रोशी इलियट पर प्राइवेट गिरे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम उन्नीस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं सिक्स अप्रैल 1917 जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो 16 सौ लोगों को सीधे गाँव तक जाल में जाने से रोक देगा अप्रैल 1977 पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को एक अलग रेजिमेंट को तत्काल संदेश देने के लिए भेजा जाता है यदि समय पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी 6 अप्रैल 1917 उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पोरल कॉर्पोरल व्हील स्कॉफी को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक स्कॉफील्ड को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है बारे में सीखता है कर्नल मैकेजी को एक और बार्श की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें नो मैंस लैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब प्रतीय जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास के शहर कुष्ट के ठीक पीछे खाई है संदेश जो कल भोर तक अपने गतिवे तक पहुंचना चाहिए मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतीक्षा में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके 1600 लोगों को जीवन खतरे में है यदि संदेश समय पर नहीं पूछता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कोफील्ड की कहानियां युद्ध की बड़ी तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम है तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम विश्व युद्ध में पहले ही से ही तीन विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इपीरियल जर्मन सेना युद्धग्रस्त पश्चिमी मोर्चे में अपनी स्थिति से पीछे हट गई है मित्र राष्ट्रों को एक घातक जाल में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना 6 अप्रैल 1917 को एक धागे से लटके 1673 सैनिकों के जीवन के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कोरपोरल टॉम ब्लैक और वील एस्कोफील्ड तत्काल जीवन कर्नल मैकेजी को की डेवो ने शायरलाइन लाइन रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अजीब गरीब खामोश लैंड की भयावहता के बीच युवा भाइयों इन हथियारों को फ्रांसिस ग्रामीणी इलाकों में सत नौ मील की दूरी तय होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रन हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो की क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइया तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर भू भर्म दूर हो गए सामान्य मधो मनोदशा उब और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की पूर्व श्रद्धा पर घर लौट आओ और और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कॉफिल्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी डेवोनेशियार बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉस सीपीएल स्कोफील्ड और लॉस सीपीएल ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में, में पार करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथी साथियों को बचा सकते हैं चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ दो है 19 की ब्रिटिश है, है लिखे हैं सैम मैडर्स क्रिस्टी विल्सन प्रोड्यूस किए सैम मैडस पीपा हैरिस जेन एंड ग्रेन कैलम मैकडोगल ब्रैंड ऑलवेरी स्टारिंग इस जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स मार्क मैनमार्क स्ट्रॉग स्कॉट रिचर्ड मैड क्लेयर डब्ल्यू की कॉलिन फर्थ बैन ने टिकॉमेच स्टोटोग्राफी दी रॉजर डिक डिक्स इंस्टीट्यूट के लिए स्मिथ दिए थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबो नील स्ट्रीट प्रोडक्ट एबिन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम और आयलेट इसका रिलीज डेट है फोर दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट टेन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम और इसका रनिंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है थ्री हंड्रेड एटी फोर पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लॉस पर विलियम विल सॉफिल्ड के रूप में जॉर्ज मैक डीन चार्ल्स चैंपियन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग इंटरव्यू स्कॉट लेफ्टिनेंट लेस्ली के रूप में लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉर्ज लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिनमोर के रूप में कार्लिन फॉर्थ बेने कर्नल मैकेजी के रूप में के रूप में डेनियल मेजर बर्न के रूप में एड्रियन स्कार जैमी पार्लर लेफ्टिनेंट रिचर्ड के रूप में पिप कॉटर लेफिनेट गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कोल जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो डालेरी के रूप में नवान पीसीओ हॉर् के रूप में बिली पोस्टलेट निजी रोशोमिक निजी रोशी, रोशी इलियट पर प्राइवेट ग्रे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम उन्नीस सत्रह मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं सिक्स अप्रैल उन्नीस सत्रह जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो सोलह सब लोगों को सीधे घातक जाल में जाने से रोक देगा अप्रैल 1970 पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को एक अलग रेजिमेंट को तत्काल संदेश देने के लिए भेजा जाता है यदि समय पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी 6 अप्रैल 1917 उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पोरल विल स्कोफील्ड को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है बारे में सीखता है कर्नल मैकेजी को एक और बार्श की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें लैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास के शहर कुष्ट के ठीक पीछे खाई संदेश जो कल तक अपने गत्वे तक पहुंचना चाहिए मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतीक्षा में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके सोलह लोगों को जीवन खतरे में है यह यदि संदेश समय पर नहीं पहुंचता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लेफिटनेट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कोफील्ड की कहानियां युद्ध की बड़ी तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम है तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम में पहले ही, ही विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इंपीरियल जर्मन सेना युद्ध ग्रस्त पश्चिमी मोर्च में अपनी स्थिति से पीछे हट गई है मित्र राष्ट्र को एक घातक में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना अप्रैल उन्नीस को एक धागे से लटके सोलह के, के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कॉरपोरल टॉम ब्लैक और विल स्कोफील्ड एक तत्काल जीवन कर्नल को डेवो ने शायर लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक बीच गरीब खामोश नो की के इन हथियारों को फ्रांसिस इलाकों में नो मील की दूरी तय करने होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रन हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइया तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर भूभर्म दूर हो गए सामान्य मदो मनोदशा ओब और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की पूर्व श्रद्धा पर घर लौट आओ और और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कॉफिल्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी डेवनेशियार बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉस सी पी एल और लॉस सीपीएल ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में, में पार करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथी साथियों को बचा सकते हैं फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ सत्रह 19 दो हजार उन्नीस की ब्रिटिश वार फिल्म डायरेक्ट किए सैम मैडस लिखे हैं सैम मैडस क्रिस्टी विल्सन प्रोड्यूस किए सैम मैडर्स पीपा हैरिस जेन एंड ग्रेन कैलम मैकडोगल ब्रैंड ऑल इस जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स मार्क स्ट्रॉग एड्रू स्कॉट रिचर्ड मैड क्लेयर डब्रू की कॉलिन फर्थ बैन नेटिकॉम वर् बेच स्टिनटोग्राफी दिए रॉजर डिक डिक्स इंस्टीट्यूट के लिए स्मिथ दिए थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबोर नील स्ट्रीट प्रोडक्ट ए पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड इसका रिलीज डेट है फोर्थ दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन दिसंबर टू थाउंड नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट टेन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम और इसका रंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट और यह यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है थ्री हंड्रेटी फोर पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लॉस पर विलियम विल वील के रूप में जॉर्ज मैक डीन चार्ल्स चैम्पियन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग एंट्रियो स्कॉट लेफ्टिनेंट लेस्ली के रूप में लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिनोर के रूप में कार्लिन फॉर्थ मे, कबर बैच लेफ्टिनेंट कर्नल मैकेजी के रूप में शॉर्जर्ट सेडरस के रूप में डैनियल मेस मेजर हाँ, बर्न के रूप में एड्रियन स्कॉर्ब्रो जैमी पार्लर लेफिनेट रिचर्ड के रूप में पिपकॉर्टर लेफिनेट गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कॉलिंस जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो के रूप में नवान पीसीओ हॉर् के रूप में बिली पोस्टलेट निजी फेज निजी रोशी इलियट पर प्राइवेट ग्रे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम उन्नीस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं सिक्स अप्रैल 1917 जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो 16 लोगों को सीधे तक जाल में जाने से रोक देगा। अप्रैल पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को, को तत्काल संदेश देने के लिए भेजा जाता है यदि समय पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी 6 अप्रैल 1917 उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पोरल कॉर्पोरल व्हील स्कोफील्ड को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक स्कोफील्ड को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है बारे में सीखता है कर्नल मैकेजी को एक और बार्श की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें नो मैंस लैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास के शहर के ठीक पीछे खाई है संदेश जो कल भोर तक अपने गतिवे तक पहुंचना चाहिए मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतिक्षा में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके 1600 लोगों को जीवन खतरे में है यदि संदेश समय पर नहीं पहुंचता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लेफिटनेट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कॉफील्ड की कहानियां युद्ध की बड़ी तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम हैं तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम विश्व युद्ध में पहले ही से ही तीन विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इपीरियल जर्मन सेना युद्ध पश्चिमी मित्र राष्ट्रों को एक घातक जाल में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना 6 अप्रैल उन्नीस को एक धागे से लटके सोलह सौ सो सैनिकों के जीवन के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कॉरपोरल टॉम ब्लैक और विल स्कोफील्ड एक तत्काल जीवन कर्नल को डेवो ने शायरलाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश साजा सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अजीब और गरीब खामोश नोमैन लैंड की के बीच युवा भाइयों इन हथियारों को फ्रांसिस इलाकों में स्वतुत्रपूर्ण नौ मील की दूरी तय करने होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रन हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइया तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर भू भ्रम दूर हो गए सामान्य मदो मनोदशा ओब और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की पूर्व श्रद्धा पर घर लौट आओ और और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कॉफिल्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी शेयर बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉस सीपीएल स्कॉफिल्ड और लॉस सीपीएल ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में, में पार करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथी साथियों को बचा सकते हैं चलिए कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ सत्रह दो हजार उन्नीस की ब्रिटिश वार फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए सैम मैडर्स लिखे हैं सैम मैडर्स क्रिस्टी विल्सन के प्रोड्यूस किए सैम मैडर्स पीपा हैरिस जेड एंड ग्रेन कैलम मैक डोगल ऑलवेरी स्टारिंग वेरी जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स शैप मैनमार्क स्ट्रॉग एड्रू स्कॉट रिचर्ड मैडन क्लेयर डब्ल्यू की कॉलिन फर्थ बैनिगड कॉम वार बेच स्टिनोटोग्राफी दिए रॉजर डिक डिक्स इंस्ट्रीट के लिए स्मिथ दिए थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबो नील स्ट्रीट प्रोडक्ट ए पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम और आयलेट इसका रिलीज डेट है फोर्थ दिसंबर टू थाउंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन दिसंबर टू थाउंड नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट टेन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम और इसका रनिंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइन्टी फाइव मिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है थ्री हंड्रेडी फोर पॉइंट नाइन मिलियन डॉलर के कास्ट के बारे में जान लेते हैं लॉस पर विलियम विल वील के रूप में जॉर्ज मैक डीन चार्ल्स चैम्पैन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग एंट्रियो स्कॉट लेफ्ट लेस्ली के रूप में लेफिटिनेट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉर्ज लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिन के रूप में कार्लिन फॉर्थ मे, कबर कि, का बैच लेफ्टिनेंट कर्नल मैकेजी के रूप में शॉर्जर्ट सेडरस के रूप में डैनियल मेस मेजर है एड्रियन स्कॉर्ब्रो जैमी पार्लर लेफिनेट रिचर्ड के रूप में पिपकॉर्टर लेफ गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कॉलिंस जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो के रूप में नवान पीसीओ हॉर् के रूप में बिली पोस्टलेट निजी रोशो फेज निजी रोशी इलियट एड्रूस पर प्राइवेट ग्रे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम उन्नीस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं सिक्स अप्रैल 1917 जैसे ही एक पैदल सेना बटालियन दुश्मन के इलाके में गहरे युद्ध छेड़ने के लिए इकट्ठा होती है दो सैनिकों को समय के खिलाफ दौड़ने और एक संदेश लेने देने के लिए नियुक्त किया जाता है जो 16 सौ लोगों को सीधे गाँव तक जाल में जाने से रोक देगा अप्रैल 1977 पश्चिमी मार्च दो ब्रिटिश सैनिकों को एक अलग रेजिमेंट को तत्काल संदेश देने के लिए भेजा जाता है यदि समय पर संदेश प्राप्त नहीं हुआ तो रेजिमेंट जाल में फंस जाएगी और हत्या कर दी जाएगी रेजिमेंट में जाने के लिए उन्हें दुश्मन के इलाके से गुजरना होगा समय सार का है ये और यहाँ यात्रा खतरे में भारी होगी 6 अप्रैल 1917 उत्तरी फ्रांस में एक युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना के साथ लॉस कॉर्पोरल टॉम ब्लैक को अपने बटालियन सहयोगियों में से एक को एक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए सुनने के लिए कहा जाता है वह अपने सबसे अच्छे दोस्त लॉस कॉर्पोरल कॉर्पोरल व्हील स्कोफील्ड को चुनता है यह तब तक नहीं है जब तक ब्लैक स्कॉफील्ड को नहीं चुनता है जबकि वे मिशन की खतरनाक प्रकृति है बारे में सीखता है कर्नल मैकेजी को एक और बार्श की बटालियन का नेतृत्व करने के लिए एक संदेश देने के लिए उन्हें नोमैन्स लैंड को पार करने के लिए जो उन्हें बताया गया है वे अब प्रतीय जर्मन है मैकेजी तक जाने के लिए पास के शहर कुष्ट के ठीक पीछे खाई है संदेश जो कल भोर तक अपने गतिवे तक पहुंचना चाहिए मैकेजी के लिए अपनी सेना के हमले को रद्द करने के लिए फिर कथित रूप से पीछे हटने वाले जर्मनों पर जो वास्तव में प्रतीक्षा में पड़े हुए जर्मनों ने महीना से इसे धोखे की योजना बनाई मैकेजी और उसके 1600 लोगों को जीवन खतरे में है यदि संदेश समय पर नहीं पूछता है तो उन लोगों में से एक ब्लैक के भाई लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लैक है ब्लैक और स्कोफील्ड की कहानियां युद्ध की बड़ी तस्वीर में सैनिकों के रूप में उनसे संबंधित है जीवित रहने की कोशिश कर रहे सैनिकों के रूप में दोस्तों के रूप में और इंसानों के रूप में जीने के पास अपनी प्रेरणा है जब तक कि वे जीवित रहने में सक्षम है तब तक बताया जाता है कि यह मिशन प्रथम विश्व युद्ध में पहले ही से ही तीन विनाशकारी वर्ष हो चुके हैं और लगता है कि इपीरियल जर्मन सेना युद्ध पश्चिमी मोर्चे में अपनी स्थिति से पीछे हट गई है मित्र राष्ट्रों को एक घातक जाल में फंसाने के लिए डिजाइन की गई विस्तृत योजना सिक्स अप्रैल उन्नीस को एक धागे से लटके सोलह सात सैनिकों के जीवन के साथ सबसे अच्छे दोस्त और ब्रिटिश आर्मी लॉस कॉरपोरल टॉम ब्लैक और व्हीस्कोफील्ड एक तत्काल जीवन कर्नल मैकेजी को की ने शायर लाइन इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी बटालियन को संदेश सहजा जा रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक अजीबो गरीब खामोश नोमैंस लैंड की भय भयावहता के बीच युवा भाइयों इन हथियारों को फ्रांसिस ग्रामीणी इलाकों में सत पूर्ण नौ मील की दूरी तय करने होगी समय पर दो देवों को तक पहुंचने के लिए और आश्रम हमले को बंद करने के लिए अब तो साधारण सैनिक निश्चित मौत को और बढ़ते एक सच्चा हीरो क्या बनता है फ्रांस में कहीं ब्रिटिश खाइया तीसरे साल से चल रहा है विश्व युद्ध वीर भू भर्म दूर हो गए सामान्य मधो मनोदशा उब और थकान पेट भरो सो जाओ क्रिसमस की पूर्व श्रद्धा पर घर लौट आओ और और एक और शांत दिन पर जब कुछ नहीं होता तो युवा सैनिक ब्लैक और स्कॉफिल्ड को जनरल में पास बुलाया जाता है और जो उन्हें दूसरी डेवनेशियार बटालियन में कर्नल मैकेजी को एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने का निर्देशन देता है जिसका टेलीफोन कनेक्शन दुश्मन द्वारा काट दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिक लॉस सि पीएल स्कॉफिल्ड और लॉस सीपीएल ब्लैक असंभव प्रतीत होने के लिए आदेश प्राप्त करें समय के खिलाफ दौड़ में उन्हें एक संदेश देने के लिए दुश्मन के इलाके में, में पार करने होगा जो संभावित रूप से ब्लैक के अपने भाई सहित उनके सोलह सौ साथी साथियों को बचा सकते हैं चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं 1917 मूवी के बारे में 1917 सौ दो है 19 की ब्रिटिश किए सैम मैडस लिखे हैं सैम मैडर्स क्रिस्टी विल्सन के प्रोड्यूस किए सैम मैडर्स पीपा हैरिस जेन एंड ग्रेन कैलम मैकडोगल ब्रैंड ऑलवेरी स्टारिंग इस जॉर्ज मैक डिन चार्ल्स मार्क स्ट्रॉग एड्रू स्कॉट रिचर्ड मैड क्लेयर डब्ल्यू की कॉलिन फर्थ बैन ने टिकॉम बेच स्टोग्राफी दी रॉजर डिक डिक्स इंस्ट्रूट के लिए स्मिथ दिए हैं थॉमस न्यूमैन प्रोडक्शन कंपनी डीम डिमवर्स पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट न्यू रिपब्लिक पिक्चर मैकबो नील स्ट्रीट प्रोडक्ट बिलीन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किए यूनिवर्सल पिक्चर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट वन यूनाइटेड किंगडम और आयलेट इसका रिलीज डेट है फोर्थ दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन लंदन फिफ्टीन दिसंबर टू थाउंड नाइनटीन यूनाइटेड स्टेट टेन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी यूनाइटेड किंगडम और इसका रनिंग टाइम है वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट और ये यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है नाइन्टी फाइव मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है के के जॉर्ज मैक डीन चार्ल्स चैंपियन कप्तान स्मिथ के रूप में मार्क स्टॉन्ग एंट्रियो स्कॉट लेफिटेट लेसली के रूप में लेफिट जोसेफ ब्लैक के रूप में रिचर्ड मैडन लॉरिफ के रूप में क्लेयर डबकर्क जनरल एन एरिनमोर के रूप में कार्लिन फॉर्थ मे, कबर कि, का बैच लेफ्टिनेंट कर्नल मैकेजी के रूप में सर्जट सेडरस के रूप में डैनियल मैश मेजर है एड्रियन ब्रो जैमी पार्लर लेफ्टिनेंट रिचर्ड के रूप में पिप कॉटर लेफ्टिनेंट गॉर्डन के रूप में माइकल जीबंस कर्नल कॉलिंस जस्टिन एडवर्ड सिपाही जो के रूप में नवान पीसीओ हॉर् के रूप में बिली पोस्टलेट निजी रोशोमिक निजी रोशी, रोशी इलियट पर प्राइवेट ग्रे के रूप में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल प्रेस द बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो